हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के बारे में। कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहां पे देख सकते हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 एप्लीकेशन स्टार्टेड, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाला हम। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज फॉर वेरियस कोर्सेस। तो सभी कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट पे कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इज़ एंटल आयुर्वेद यूनिवर्सिटी टू बी क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। It was recognized in 1967 in accordance with the undertaking approved through Gujarat State Legislative Assembly in 1965. तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो रिकोगनाइज किया गया था आपका 1967 में, गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका 1965 में ही कर दिया गया था अप्रूव्ड। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं एप्लीकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका UPS यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है, ये इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं, UG कोर्स में आपका फार्मा है और आपका BA MC है, और PG कोर्स में आपका MED है और फार्मा आपका। और यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं GAU यानी कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको कोर्स है UG PG PhD एंड डिप्लोमा कोर्स है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टेट आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका कंट्री जो है वो इंडिया है। और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं, एप्लीकेशन रिलीज़ हो चुका है, अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर चेक करते रहिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं तो आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज़ कर दिया गया है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 1000 रुपीज़ पे करने हैं और अपना फ़ोटो, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अपना फ़ोटो, 3 न्यू कलर्ड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, उसको आपको अटैच कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म में, और इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देने हैं सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद। और डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करके इस एड्रेस पे फिल आपको पोस्ट कर देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, तो आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और यहाँ पे 12th का मार्कशीट और या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, और ST OBC कम्युनिटी सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपको यहाँ पे 4 रिसेंट स्टाम्प साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए रहेगा आपका। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोर्स दिए गए, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। तो कोर्स आपको यहाँ पे दिल जाता है और डिप्लोमा
सर्टिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और स्पेशलाइजेशन आपका आयुर्वेदा है, योगा है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, डिप्लोमा के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपका रजिस्टर मेडिकल मेडिकल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और प्लस आपका इंटरव्यू के बेस पर। तो यूजी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसके लिए भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरव्यू। इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदा योगा है, और पीजी कोर्स के लिए आपका आयुर्वेदा है, मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट्स आयुर्वेद आयुर्वेद, और यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वालिफाइंग एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरव्यू, और NEET जो पीजी कंडक्ट कर यहाँ पे NBE कंडक्ट कराएगी यहाँ पे, इसके लिए मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए, और आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन के लिए, इन दोनों के लिए आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया गया है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं हम, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है, और प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना, और अपना सिलेबस देख लेना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने घंटे का आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, तो ये सब आपको देख लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, जो कि आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के दौरान काम आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर फिल करके आपको सबमिट कर देना और रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं एडमिशन और काउंसलिंग की, तो एडमिशन आपका यहाँ पे दिया गया है, और आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पीजी कोर्स के लिए दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं, रैंक अच्छे रहते हैं, तो एडमिशन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आके काउंसलिंग करा लेना और एडमिशन हो जाएगा आपका। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।